आप लोग बहुत सारी शादियों में गए होंगे, लेकिन क्या कभी आप स्वयं भगवान की शादी में गए हैं? आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम स्वयं भगवान जो शालिग्राम है और तुलसी माता, उनके विवाह में आने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और आज हम दिखाएंगे इंसानों की शादी विवाह में जिस तरह का कार्यक्रम होता है, बिल्कुल उससे बढ़ चढ़ कर आज का ये कार्यक्रम है। और यहाँ पर जो संस्था इस कार्यक्रम को करवा रही है, हम उसकी भी सराहना करेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, क्योंकि अपने हित के बारे में सब कोई सोचता है, लेकिन भगवान के बारे में कोई नहीं सोचता, भगवान से केवल मांगते हैं। और आज यहाँ पर भगवान की शादी में दहेज भी दिया जा रहा है, खाना भी खिलाया जा रहा है, बैंड बाजा भी है यहाँ पर, और सब लोग झूम नाच कर अपने इस श्रद्धा को सामने ला रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला ये इसका जो है ना माध्यम बनने का, और मैं अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर आगे भी ऐसी कृपा बना के रखें, ताकि मैं ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में, प्रोग्रामों में भाग ले सकूँ। आज लड़के वाले हैं आप, स्वयं दूल्हा हैं। हाँ, मैं लग रहा है कि मतलब आपका जो जीवन है वो धन्य हो गया। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, इससे बड़ा धन्य होने का दिन कोई नहीं हो सकता। दोबारा जो याद आई है, बिल्कुल हम दूल्हे के साथ हमें अच्छा महसूस हुआ है। आज हम वैसे देखा तो हमने पहली बार है, लेकिन जो भी देखा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा आ रहा है। कुछ नया पहले कभी गए थे आप? नहीं नहीं, कभी नहीं गए थे, आज ही आए हैं, आज पहली बार देखा, कुछ नया देखने को मिल रहा है। बड़ा मेरा नाम वैसे हरियाणा वाले जहाँ भी जाते हैं रंग जमाए थे आपने यहाँ पर? हाँ जी, वो तो अभी जब तभी तो तुलसी हमारे जाटों में आ रही है, पंजाबियों के घर से, तभी तो रंग जमा दिए जी आपने। आज शादी में आए हम, भगवान की शादी में आए जी। कभी आपने सोचा था भगवान? कभी नहीं सोचा, नहीं कभी नहीं सोचा था कि ऐसे प्रोग्राम में चले जाएंगे हम। कभी कभी मिला जैसे तो मौका, कभी कभी सेवा करने का मौका मिलता है। वाकई सेवा कर रहे हो यहाँ पर? सेवा में ही है जी, सेवा में ही है हम तो, सेवा में ही, सेवा में है जी। तो आज कैसे मतलब आत्मा की तृप्ति प्राप्त हो गई? आज बिल्कुल मुक्ति मिल गई, बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार जी। आज ये प्रोग्राम तो हम पहले भी करते हैं, हर साल करते हैं, और इस बार हमें ना जोड़ा मिल गया ब्राह्मण की बेटी का, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं असली में ही सारा ये सब करें, बच्चे भी खुश, बच्चों के लिए कुछ, सब सब ने मिलकर ये सम्मान दिया है। देखा जाता है असल शादी में दहेज भी दिया जाता है, कुछ लड़की को भी दिया जाता है, तो आप भी दे रहे हो? बिल्कुल, हम सब सब मिलके अच्छे से दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हो? हाँ, सब हमने दिए, एक गोदरेज की अलमारी दी है, और एक वॉशिंग मशीन दी है, बेड दिए हैं, गद्दे दिए हैं, और लड़की के 11 जोड़े बनाए हैं। कई लोग ऐसा सोच के रहते हैं गरीब है या ऐसा मतलब एहसान जताते हैं, ऐसा कुछ यहां नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, हमने पहले भी चार बार करा हुआ है, तो बस पहले भी बहुत अच्छा, जो पहले शादी हमने करी है बहुत सुखे। शादी में देखते हैं बहुत से लोग भी आते हैं, खाना होता है, भोजन होता है, घूमते नाचते हैं, क्या ऐसा यहाँ भी है? हाँ, यहाँ पे भी होगा, रात को आप आइए प्लीज, सारा खाना भी खाइए, आप भी खाना खाएंगे, और अच्छे से सब शादी होगी, पूरे फेरे होंगे यहाँ पे, प्रॉपर पूरी तरह से शादी करेंगे। ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है कार्यक्रम? ये हम सब मिलके, कृष्णा कृष्णा क्लब है और जय वैष्णो संकीर्तन मंडल है, ये सब मिलके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता खुराम। आज हमारे कृष्णा कृष्णा क्लब में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, और उसके साथ साथ हम एक जरूरतमंद कन्या का विवाह भी कर रहे हैं सब लोग कॉलोनी के साथ मिलकर। और ये हमारे डकोत है ओम प्रकाश जी, उनकी बेटी है। बड़े सौभाग्य की बात है भैया, आज दोनों काम हो रहे हैं, एक जरूरतमंद बेटी का विवाह भी हो रहा है, उसके साथ साथ भगवान की आराधना भी हो रही है। ये समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए भी, इसके साथ साथ हम जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें धार्मिक आयोजन के साथ साथ, तो एक समाज में नया संचार, नई उत्साह पैदा होता है, और लोगों को कुछ समाज के प्रति कार्य करने की उत्साह जगाना चाहिए। हमारी कॉलोनी में लगातार, मेरा घर भी यहीं है, सभी साथी मिलकर लगातार अच्छा प्रयास करते रहते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक हो, हम सब मिलकर कुछ न कुछ समाज के प्रति करते रहते हैं। और मैं सभी कृष्णा कृष्णा क्लब के और यहाँ सब के साथियों के हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम समाज की एक लड़की को तो घर बसाने का मौका दिया।